कार देखिए ये, अरे कुछ तो बहुत ही बड़ी शूटिंग लग रही है, बिकॉज यहाँ पे पांच पांच बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। ऑलराइट दोस्तों, कैसे आप सब लोग, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। वेल, पिछले वीडियो में मैं आपको लेके गया था 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी देखने को, एंड उसमें मैंने आपको जो अभी ओनर है उसके उनके बारे में भी बताया, जो राधा किशन दमानी जी है उनके बारे में। लेकिन उस वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं थी, और वो थी कि वो प्रॉपर्टी किससे उन्होंने परचेज़ की। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट दी ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट 1000 करोड़ प्रॉपर्टी। तो आइए। तो दोस्तों, जिनके बारे में मैं बात करने जाने वाला हूँ वो 18th सेंचुरी के इंडिया में बिग बुल थे। जी हाँ, आज आप जो नाम सुनते हो जैसे राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला, तो ये ऐसे ही टाइप के एक इंसान थे 18th सेंचुरी में, और उनका नाम था प्रेमचंद रॉयचंद। तो दोस्तों, प्रेमचंद रॉयचंद जैन थे, एंड ही वॉज बॉर्न इन सूरत, और 1831 में वो पैदा हुए। ही केम टू मुंबई, यानी उस वक्त बॉम्बे था, तो उस वक्त के बॉम्बे में वो आए एज अ मर्चेंट, बिजनेसमैन थे इन बॉम्बे। अभी मैं बॉम्बे बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त बॉम्बे ही कहा जाता था, अभी तो मुंबई ही है। तो तब वो आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की एल्फिंस्टन कॉलेज में, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाई दूंगा। उसके बाद वो एक स्टॉक ब्रोकर बने। उनकी खास बात ये थी कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टॉक ब्रोकर हु कुड रीड एंड राइट इंग्लिश। सो वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त, एंड मैं आपको अभी स्टॉक एक्सचेंज दिखा देता हूँ, वन सेकेंड। तो ये यहाँ पे हम अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स द स्टॉक एक्सचेंज। वो जो सामने आप ऊपर जो बिल्डिंग देख रहे हो वो स्टॉक एक्सचेंज है। अब हुआ ये कि उसके ऊपर एक सिंबल हुआ करता था, एक बड़ा एक बोर्ड हुआ करता था BSE करके, लेकिन 2020 में बहुत बड़ा तूफान आया मुंबई में, एंड देयर यू गो, दैट्स दी स्टॉक एक्सचेंज। और वो जो सिंबल था BSE का, साइन था ऊपर, वो गिर गया, एंड जब वो गिरा तब मैंने उसको देखा भी खिड़की में से। बहुत ज़ोर की बारिश आई थी, मैंने उस दिन का एक वीडियो भी बनाया है, तो आपको उस वीडियो में मुंबई की हालत क्या थी, यू नो, इधर कम से कम लाइक 50-60 पेड़ भी गिर गए थे इस एरिया में, और वो भी ऐसे वैसे पेड़ नहीं, लाइक 150-200 साल पुराने पेड़ थे, तो वो सारे पेड़ यहाँ पे गिर गए थे। तो एनीवेज, तो ये तो हुई बात उस सिंबल की, जो आइकॉनिक सिंबल हुआ करता था BSE का। इसको पहले ना नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ऐसे कहते थे। इसको एक्चुअली बनाया था प्रेमचंद रॉयचंद जी ने, और अभी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ पावर दैट मैन हैड इन दोज डेज। ही वॉज सच अ रिच मैन, उनको तो यू नो बिग बुल कहते थे उस वक्त। तो उन्होंने इतना पैसे कैसे कमाए? वेल, वो कैपिटल मार्केट में तो इन्वेस्ट करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ बुलियन मार्केट और कॉटन ट्रेड में भी थे वो। इसी वजह से वो एक तरह से उनका एक
नो डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ पोर्टफोलियो था। तो राधा किशन दमानी जी और प्रेमचंद रॉयचंद जी में काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज थे। उसके बारे में यू नो जो इन्वेस्टमेंट्स जो राधा किशन दमानी जी ने किए वो आपको पता चलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे उन्होंने भी इतना यू नो कमाया। तो प्रेमचंद रॉयचंद जी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही वॉज इन द कैपिटल मार्केट, देन ही वॉज इन द बुलियन मार्केट, देन ऑल्सो कॉटन ट्रेडिंग, तो ये सारे सोर्सेज थे उसके, उससे उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया। और सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने उस वक्त बनाया जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी, एंड उस वक्त आई थिंक 1861 में सिविल वॉर शुरू हुई थी और वो 1865 तक वो वॉर चली। तो उस वक्त उन्होंने कॉटन में बहुत पैसा कमाया। ऐसे करके ही बॉट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन मुंबई, और जो आपने मेरे पिछले वीडियो में देखी वो प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की, वो तो एक ही प्रॉपर्टी थी, उससे भी बहुत ज़्यादा यू नो प्रॉपर्टीज़ उनके पास थे। वो खुद तो रहते थे बाइकला में टुवर्ड्स दी एंड ऑफ हिज लाइफ। उनके बेटे जो थे मानेकलाल रॉयचंद ने वो बिल्डिंग को 1930 में कम्प्लीट किया। His daughter-in-law and his grandson were ultimately living there for a lot of time. आप जब मुंबई की हिस्ट्री देखोगे ना, आपको ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे जब जैन और पारसी लोग दे वो द आई थिंक द वेल्दीस्ट पीपल इन मुंबई, उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था। एंड उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो खुद के लिए पैसे कमाए, उन्होंने काफ़ी सारे उनके जो प्रॉपर्टीज़ थे वो पब्लिक के लिए दे दिए यू नो दान में। तो प्रेमचंद रॉयचंद भी वैसे ही थे, उन्होंने अपनी जो वेल्थ थी वो काफ़ी लोगों को दान भी की। उन्होंने स्कूल्स बनाए खास करके लड़की लोग के लिए, लड़कियां जो पुअर होती है, जो इलिटरेट, जिनको समाज एक तरह से धुतकार देता है, या वो उस वक्त तो बहुत होता था ना वैसे, तो उनके लिए वो काफ़ी यू नो हेल्प की है। और यहाँ पे एक स्कूल भी है जिसका नाम जेबी पेटिट स्कूल फॉर गर्ल्स है, वो प्रेमचंद रॉयचंद जी ने बनाया था। एंड अभी मैं आपको, अरे ये क्या हो गया, एक्सीडेंट। हाँ तो अभी मैं आपको उनका जो स्कूल था वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, या स्कूल नहीं यानी कॉलेज था वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो कॉलेज का नाम है एल्फिंस्टन कॉलेज, बाय द वे ये है अपनी मुंबई मेट्रो लाइन 3 का काम। जो कोलाबा बांद्रा सीप्स की लाइन है, फुल्ली अंडरग्राउंड लाइन जिसे कहते हैं, वो यही है। इसका भी मैंने आई थिंक वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हो, अलग लोकेशन में जाके मैंने वो वीडियो बनाया है। तो ये है जमशेद जी एन पेटिट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, इट इज़ अ वेरी आइकॉनिक ब्यूटिफुल लाइब्रेरी, बहुत एक विंटेज चीज़ें आपको दिखते हैं अंदर। और अभी यहाँ से लोगों को लगता है कि ये एक रेस ट्रैक है, यहाँ पे लिखा है कि 20 किलोमीटर्स पर आर गो स्लो, क्योंकि क्या है ऐसे शो के लिए नहीं लिखा है, वहाँ पे ये जो लगाए हैं वो डेंजरस हो सकता है ना इसके लिए। तो एनीवेज अभी हम है हुतात्मा चौक में, एंड ब्यूटीफुल सो यहाँ से अगर आप जाओगे ना फ्रॉम हियर, आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग फिर से दिखेगी। वो जो सिंबल था ना ऊपर का, वो यू नो इट वाज वेरी आइकॉनिक, मैं पता नहीं कितने बार बोलूँगा, लेकिन वो नहीं है ना तो कुछ अजीब सा लगता है। तो अभी हम काफ़ी नज़दीक है उस कॉलेज के, वो कॉलेज काफ़ी ऐतिहासिक कॉलेज है, बिकॉज़ वहाँ से जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स बाहर आए हैं उन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं अपने लाइफ में, सो देखना तो बनता है। वैसे तो हम इतने बार इस रोड से गुजरते हैं,
ओके वाहन बजा रहे हैं फिर भी ऑस्कर। तो ये है जहांगीर आर्ट गैलरी और उसके सामने ही देर इज दिस बिल्डिंग, ये एकदम पैलेस के जैसे दिख रही है ना, उसका नाम है एल्फिंस्टन कॉलेज। और इस कॉलेज में जमशेद जी टाटा एंड प्रेमचंद रॉयचंद, ये दोनों यू नो दे हैव स्टडीड योर, और न जाने कितने सारे लोग इस कॉलेज में पढ़ाई किए होंगे। तो बस इस कॉलेज को देखने में ही इतना यू नो यू जस्ट फील सो यू फील एज इफ यू आर बीइंग टेकन बैक इन टाइम। और जो यू नो जैसे बनाया गया है ये कॉलेज, ऐसी बिल्डिंग्स बहुत कम है मुंबई में, बहुत कम। और आपको ऐसी बिल्डिंग्स यही एरिए में ज़्यादा दिखाई देगी, बाकी कोई ऐसा एरिया है ही नहीं। मे बी इन बांद्रा आपको दिखाई दे, इट्स लाइक लिटरली इट्स बिल्ट लाइक अ फोर्ट। ओके तो अमेजिंग। सो ये जो कॉलेज है यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, एंड उसके बाद आपको पता ही है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टॉक ब्रोकर हु कुड रीड एंड राइट इन इंग्लिश। इन 1849 ही बिकेम द फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक ब्रोकर, और फिर अल्टीमेटली ही फाउंडेड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो गाइज कहने का मतलब यही है कि एक बिग बुल ने वो प्रॉपर्टी ली थी, अब दूसरे बिग बुल के पास चली गई है। और थोड़े से यहाँ पे जो डिज़ाइन है इस बिल्डिंग के, उसको और मैं आपको क्लोजली दिखाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट अपनी कोई ऐसी डिटेल मिस ना हो, बिकॉज ये बिल्डिंग सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये अभी सुना पड़ गया है कोलाबा कॉजवे। ऐसे हमको लास्ट टाइम जब हुआ था ये बड़ा लॉकडाउन, आई थिंक अप्रैल मार्च अप्रैल में लास्ट ईयर, तब ऐसे देखने मिला था। और ये आई थिंक बीटीएस की फैन यहाँ पे उदास उदास सैडनेस। ओह तो ये क्या है ना, कोई कोई लोकेशंस में आपको ऐसे लगेगा कि अरे इतने ज़्यादा लोग कैसे दिख रहे हैं, कोई कोई लोकेशंस में ऐसे लगेगा यहाँ पे कोई नहीं है, सुनसान हो गया, इधर इतने ज़्यादा लोग, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है अलग अलग एरिया मुंबई के। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो मार्केट्स है ना, जो कोर मार्केट्स, जो मेन मार्केट्स है, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टली उन्होंने ये रूल्स और गाइडलाइंस एनफोर्स किए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे प्लेसेस है यहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग नहीं होती, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ढील दे दी है, ऐसे मुझे अभी फ़िलहाल लग रहा है।
अभी एक चेंज भी हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर. सो आई एम गेटिंग वेरी वियर्ड स्टेयर्स फ्रॉम पीपल इन द कार नेक्स्ट टू मी. ये अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स गेटवे ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है. ये देखिए यहाँ पे क्या बना रहे हैं इधर, क्या शादी है कि क्या, शादी का सीन है. यहाँ से जाते अपने को देखने मिलेगा थोड़ा. ओह यहाँ पे कार देखिए ये. ओह तो ऐसी अनोखी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलती है. चलिए और आगे. तो ये किसका बॉडीगार्ड खड़ा है. ये है, अरे कुछ तो बहुत ही बड़ी शूटिंग लग रही है बिकॉज यहाँ पे पांच पांच बॉडीगार्ड्स खड़े हैं इतनी दूरी पर. ऑलराइट तो आते हैं हमारे पॉइंट पे दोस्तों. ये तो हो गई बीच में थोड़ी सी साइट सीन. तो ये जो राधा किशन दमानी जी है उन्होंने वो जो घर है ऐसे करके रॉयचंद जी के ट्रस्ट से ख़रीदा है. वो ट्रस्ट जो है उसमें ट्रस्टीज़ कौन कौन है, देर इज़ सौरभ मेहता, वर्षा मेहता एंड जयेश शाह. ये तीन लोग हैं जो ट्रस्टी है. सौरभ मेहता इज़ द ट्रस्टी ऑफ द पूराचंद रॉयचंद एंड सन्स LLP पार्टनर फिनिक्स फैमिली ट्रस्ट. और सेकेंड जो है वर्षा मेहता, ये गाड़ी को आगे जाने देता हूँ. वर्षा मेहता, जाओ बजाओ जल्दी, बहुत आवाज़ आ रहा है. वर्षा मेहता इज़ द ट्रस्टी ऑफ द परेशचंद रॉयचंद एंड LLP पार्टनर फिनिक्स फैमिली ट्रस्ट. जयेश शाह इज़ द ट्रस्टी ऑफ द प्रेमचंद रॉयचंद एंड सन्स LLP पार्टनर एकनाथ प्रोजेक्ट. तो ऐसे ये ट्रस्टीज से उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी. रॉयचंद जी ने काफ़ी सारे
दान धर्म भी किया है, और जैसे कि मैंने पहले बताया स्कूल्स खोले, तो वैसे उनका जो और एक बंगलो था जहाँ पे वो रहते थे वो था इन बाइकला। बाइकला में दैट मैंशन और दैट विला वॉज नोन एज द प्रेमोद्यान, लेकिन फिर बाद में उन्होंने वो जो अपना घर है वो पुअर लड़की लोग के लिए एजुकेशन और रहने के लिए, डेस्टिट्यूट गर्ल्स यानी जो लड़की लोग की हाल समाज में अच्छे नहीं है, बहुत फाइनेंशियली वीक है, जिनको कोई पूछता नहीं, गर्ल्स एंड वुमेन हु गर्ल्स एंड वुमेन हु फेस अ लॉट ऑफ अब्यूज इन सोसाइटी, तो ऐसी लड़की लोग के लिए उन्होंने वो अपना घर, यू नो ही हैड गिवन देम। तो अभी वहाँ पे रेजीना कॉन्वेंट नाम की एक बिल्डिंग है इन बाइकला, सो दैट यूज्ड टू बी द हाउस ऑफ प्रेमचंद रॉयचंद ऐसे। बाकी गाइस ये वीडियो में आपको बाकी की चीज़ें भी देखने मिली। यहाँ पे देखिए पूरा सुनसान, पूरा नज़ारा ही बदल चुका है, काफ़ी विंड ब्लास्ट आ रहा है। तो दोस्तों आप मेरा यहाँ का वीडियो देख लेना, एग्जैक्टली 1 ईयर पहले क्या हाल था यहाँ पे। अभी तो यू नो इट्स समवॉट लाइक दैट, वैसे ही कुछ हाल है, लेकिन उस वक्त तो ये कार्स बाइक्स कुछ नहीं था रोड पे, यू नो लोग तो छोड़ ही दो, कोई कुछ नहीं देख पाते थे आप यहाँ पे। तो उस वक्त मैंने यहाँ पे एक वीडियो शूट किया है, वो भी आप ज़रूर देख लेना, इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा सा बेटर है, सिर्फ यही है कि यू नो क्या कह सकते हैं, केसेस आ रहे हैं लेकिन वो इतने सिवियर नहीं हो रहे हैं जितना उस वक्त जो माहौल बना था। अभी आई थिंक पीपल आर गेटिंग रिकवर्ड यू नो क्विकली, ऐसे माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ऐसे, बिकॉज द पीपल हु टेक वैक्सीन ऑल्सो ना, उनके बॉडी में ऑब्वियसली एंटीबॉडीज तैयार होते हैं ना, तो एंटीबॉडीज अगर बॉडी में तैयार हुए तो ऑब्वियसली यू नो द चांसेस आर हाई दैट आप अगर टेस्ट करोगे विथ माइल्ड सिम्टम्स देन यू विल ऑब्वियसली गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट ऐसे। तो इसी वजह से आई थिंक वो जो स्पाइक हम देख रहे हैं इट मे बी बिकॉज ऑफ दैट। आई एम नॉट लाइक एकदम फुल्ली मैं कंफर्म करके नहीं बोल सकता, लेकिन वॉट इज़ अ वैक्सीन आफ्टर ऑल, वैक्सीन इज़ बेसिकली यू नो टू जेनरेट द राइट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज इन योर बॉडी। तो वैसे मे बी पीपल यू नो दे मस्ट बी गेटिंग फ्राइटेंड एंड वी आर सीइंग द सिम्टम्स आफ्टर गेटिंग द वैक्सीन, ऐसे आते हैं ना सिम्टम्स आते हैं कभी कभी, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दीज सिम्टम्स, जैसे फीवर आता है फिर ये कोल्ड एंड ऑल ये सब होता है, बट इट इज़ माइल्ड, इट्स नॉट दैट इतना सीरियस नहीं होता है, वो लोग वैसे रिकवर भी हो जाते हैं ऐसे। बट आई थिंक ये जो लोग जो डर जाते हैं ना ये थोड़े से सिम्टम्स आने पर, दे गो एंड डू द टेस्ट एंड फिर टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव मोस्टली आता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा कि एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो देर आर चांसेस दैट यू नो किसी को भी डाउट रहेगा तो जस्ट गो एंड यू नो स्टडी हाउ अ वैक्सीन इज मेड एंड वैक्सीन का यू नो मोड ऑफ एक्शन कैसे रहता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इट्स जस्ट अ वे ऑफ बिल्डिंग इम्यूनिटी। ओके तो नहीं, ये बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, तो अब हम जाएंगे टुवर्ड्स अनदर आइकॉनिक लैंडमार्क जो आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा लेकिन आपको पता नहीं है, उसका नाम पता होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये किसके मेमोरी में बनाया गया है या किससे रिलेटेड है। थोड़ा सा अभी बता देता हूँ आपको, वेल ये प्रेमचंद रॉयचंद जी से ही रिलेटेड है तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से लेना है हमको राइट। ओह
इस चीज़ के लिए आया हूँ यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर के लिए। या सो दिस टावर विच यू सी इज़ नोन एज दी राजाबाई टावर। ये टावर बनाई थी प्रेमचंद रॉयचंद जी ने, और उस वक्त 2 लाख रुपए उन्होंने दिए टावर बनाने को। ये बात है 1869 की। ये टावर बनी 9 साल में, लाइक 1878 में इसका काम कंप्लीट हुआ। अब ये टावर क्यों बनाई? वेल, ये टावर उनकी माँ की याद में बनाई है। उनकी माँ का नाम राजाबाई, इसीलिए इसका नाम राजाबाई टावर है। तो काफ़ी आइकॉनिक सी टावर है। आपको मैं अच्छे से और जूम करके दिखा देता हूँ इस टावर की रचना कैसी है। एक तो है दोस्तों, उस वक्त के जो बिल्डर्स हुआ करते थे ना, वो लोग कितनी मेहनत करते थे। यानी इट्स जस्ट लुक एट द कार्विंग्स एंड ऑल। और ये फिगर्स तो दूर से दिखते ही नहीं है। वाह, ये क्लॉक, जो डिजाइनिंग है, द आर्किटेक्चर, इट्स जस्ट अमेजिंग यार। और इतने सालों तक ये टावर वैसे के वैसे, यू नो, एक एक कॉलम पे जो डिजाइनिंग है, इट इज जस्ट सुपर्ब। और ये टावर को बनाया था 2 लाख रुपए में इन 1869, मतलब शुरू किया था काम 1869 में, और ये बनी 1878 में, 9 साल लगे। वाओ, ज़बरदस्त। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, टावर 2 लाख रुपए में वो टावर उस वक्त बनाई गई, 9 साल लगे। और आपको पता है कि अभी रिसेंटली ना, 1 रुपए का कॉइन 18th century का, वो कॉइन अभी 25 लाख रुपए में बेचा गया। तो आप सोच सकते हो, उस वक्त के 2 लाख रुपए, अगर आपके पास 2 लाख कॉइन होते एक रुपये के, तो कितने पैसे कमा सकते थे? 25 लाख तो नहीं एक कॉइन की कीमत, लेकिन एटलीस्ट आपको 5-10 लाख अगर मिले एक कॉइन के पीछे, तो कितने पैसे होते हैं। तो ऐसे दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया एक यू नो आर्किटेक्चर है ये। तो वो जो आसमान में जो यू नो जो फिगर्स दिखते हैं ना, स्टैचूज, वो बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। इट्स जस्ट वेरी ब्यूटिफुल। तो और एक बार हम जूम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज वैसे आपको नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलेंगे मेरे चैनल पे, नए नए अपडेट्स जो भी है। तो वक्त आ गया है यहाँ से निकलने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो इन्वेस्टमेंट्स राधा किशन दमानी जी ने किए थे अपने लाइफ में, जिससे उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला। इन दैट वीडियो यू विल एग्जैक्टली नो एज टू हाउ ही बिकेम द बिग बॉस।
bull of the market. Thank you for watching till here, guys. This is Swappy Bond saying goodbye to all of you. Follow me on Instagram and Facebook. Until then, take care of yourselves. Bye-bye.